इस वीडियो में हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में, यानी कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है फेडेड आउट है। ऐसे तो सेल्स भी फेडेड आउट है, लेकिन सेल्स यहाँ पे खुला हुआ है, इस हिसाब से फेडेड आउट है। तो यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को आपको फीचर्स में से एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पर आएंगे। तो हम फीचर्स में चलते हैं एक बार। फीचर्स में जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आपको वहाँ पर आ जाना है और उसे कर देना है आपको यस। और नीचे दो ऑप्शंस और हैं, जो कि रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, उन्हें भी आपको यस कर देना है। अब आप या तो एंटर करते हुए लास्ट तक जा करके एक्सेप्ट दबा सकते हैं, या फिर सीधा कंट्रोल ए आप प्रेस कर सकते हैं आपके कीबोर्ड पे से। और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आपको एक नया डाउट आता है कि भाई सेल्स रिटर्न का मतलब क्रेडिट नोट होता है या डेबिट नोट होता है। तो सिंपल है, देखिए सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न है, यानी कि सेल्स के नीचे है क्रेडिट नोट जो कि है सेल्स रिटर्न। परचेज के नीचे सीधा परचेज रिटर्न है जो कि है डेबिट नोट। वो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल से देखिए, सेल्स का शॉर्टकट है F8 और देखिए क्रेडिट नोट का शॉर्टकट भी F8 है, लेकिन कंट्रोल F8 है। वैसे ही परचेज का F9 और परचेज रिटर्न का कंट्रोल F9। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्रेडिट नोट एग्जाम्पल के लिए। तो अब क्रेडिट नोट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर क्रेडिट नोट यानी हो गया यहाँ पर आपका सेल्स रिटर्न, मतलब जिस पार्टी को आपने माल बेचा वो आपको रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर आज की तारीख डाल दीजिए, जो भी है आप जिस डेट पे एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप डालेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, मान लीजिए बिल नंबर 1 था जिसका आपको रिटर्न मिल रहा है वापस सामान, और बिल पे जो डेट थी वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में पार्टी का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे किससे आप रिटर्न ले रहे हैं। मान लीजिए मैं रिटर्न ले रहा हूँ SS से, तो मैं SS सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये सब डिटेल्स आप एक्स्ट्रा देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप या तो एंटर करते हुए नीचे आके उसे एक्सेप्ट कर लें, या फिर कंट्रोल ए दबा दें तो वो बॉक्स सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे सेल्स लेजर है, तो सेल्स का मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेल्स के बदले में यहाँ पे ऑल सी दबा करके और एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ सेल्स रिटर्न्स, जो कि फिर से जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट की। और इसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेबल रहने देते हैं और नीचे जहाँ पे गुड्स बना देते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम जो आप रिटर्न कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्पेस बार दबा देता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए बुक में रिटर्न कर रहा हूँ 4 पीसेस। अब एक बार मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने पीसेस है, 38 पीसेस है। अब सामने वाला आपको सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो अगली बार मेरे को यहाँ पे पीस बढ़ने चाहिए, राइट। 38 है, मैं 2 पीस रिटर्न ले रहा हूँ, तो मेरे को नेक्स्ट टाइम 40 दिखने चाहिए बुक्स। तो मैं यहाँ पे 2 पीसेस लिख देता हूँ, वो 50 रुपीज़ के हिसाब से आपको रिटर्न आ रहे हैं। और इसके बाद में नीचे टैक्सेस डाल दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे उसने टैक्सेस के भी तो पैसे भरे थे, वो भी तो रिटर्न करने होते हैं। सो CGST मैंने ले लिया, SGST मैंने ले लिया, और अगर आपको ऑटोमेटिक GST चाहिए तो उसका मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ, सेम प्रोसेस में आप इसका कर सकते हैं। यानी कि ऑल्टर करके वहाँ पे सेल्स या परचेज की जगह पे आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सेलेक्ट करना होगा ताकि इसमें टैक्सेस आ सके। अब ये हो गया सेव। अब नीचे पूछता है कि प्रोवाइड एडिशनल GST डिटेल्स, आप देना चाहें तो यस कर दें, नहीं तो नो करके सेव कर दें। तो इन केस आप यस करते तो यहाँ पे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि भाई मैं सेल्स रिटर्न कर रहा हूँ। अगर आपको बायर ने कोई डेबिट नोट दिया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और तारीख आप दे सकते हैं। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे नो ही रहने देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, डन। अब एक बार नीचे कोई भी नाम ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ भी एक मैंने नाम ले लिया, और यहाँ पर आके देखते देखे बुक्स जो है 40 पीसेस हो गए, क्योंकि आपको वो रिटर्न मिल चुका है यहाँ पर, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको क्रेडिट नोट जो है समझ में आ गया, जो कि सेल्स रिटर्न। अब हम परचेज रिटर्न देख लेते हैं एक बार। डेबिट नोट ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अब डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न, यानी आपके पास जो सामान आया आप वापस रिटर्न कर रहे हैं, आपने जो खरीदा उसे। सो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पर, यानी बिल नंबर। आप इसके बाद में तारीख डाल दीजिए यहाँ पर जो बिल पर है। उसके बाद में पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप रिटर्न कर रहे हैं। मान लीजिए मैं PS को वापस रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो फिल कर दीजिए, नहीं तो कंट्रोल ए दबा करके उसे सेव कर सकते हैं, या फिर एंटर करते हुए भी कर सकते हैं। आप परचेज में परचेज लेजर की जगह पे मैं यहाँ पे ऑल्ट सी दबा करके परचेज रिटर्न क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी क्लैरिटी रहे, जो कि फिर से अंडर जाएगा परचेज के परचेज अकाउंट। अब इसके बाद में यहाँ से मैं गुड्स ले लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं बुक्स वापस दे दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे पास 40 पीसेस है,
और अगर मैं वापस दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाना चाहिए, तो मैं 10 पीसेस दूंगा अभी रिटर्न, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हमें 30 दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ और 10 पीसेस ले लेता हूँ यहाँ पर, और नीचे टैक्स का भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब डन। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा कंट्रोल ए भी दबा सकता हूँ यहाँ से इसे सेव करने के लिए, या फिर नीचे तक जा करके। अब एडिशनल डिटेल्स अगर मुझे नहीं देने तो मैं नो ले लेता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं ऐसे ही कोई भी एक नाम ले ले रहा हूँ ताकि मुझे वो इन्वेंट्री दिख सके यहाँ पे। ये देखिए बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 हो गया क्योंकि हमने 10 दे दिए थे ऑलरेडी। उम्मीद करता हूँ आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।